नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से म्यूजिक गैंगवे में। आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे गत और कला, ठीक है। क्योंकि गत से भी संबंधित एक दो क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं एग्जाम में, जैसा कि मस्जिद खानी गत, राजा खानी गत, और गत क्या है और कैसे कहाँ बजता है इसके बारे में, साथ ही कला के बारे में हम लोग जानेंगे, जो कला होती है कितने प्रकार की कलाएं बताई गई हैं, उसमें मुख्य कलाएं कौन कौन सी हैं इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, 10 से 12 मिनट का होगा और ये वीडियो भी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए, जैसा कि आप लोग गत सुने होंगे, गत क्या होती है और कला के बारे में भी हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो गत जो है सितार वादन में बजाई जाती है, ठीक है। और जैसा कि गत में जो सितार होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के सितार बताए गए हैं, चल थाट के सितार और अचल थाट के सितार, ठीक है। और उनमें पर्दों का जिक्र भी होता है। तो चलिए इसके बारे में एक एक पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। आइए देखिए, गत सबसे पहले, गत को जानने से पहले हम लोग सितार के बारे में जानेंगे, ठीक है। थोड़ा सा सितार दो प्रकार के होते हैं, चल थाट के सितार और अचल थाट के सितार, ठीक है। इनमें जो पर्दे होते हैं, ठीक है, 16 से लेकर 24 तक होते हैं। 16 का होता है 19 पर्दे, 24 पर्दों वाला सितार होता है, कहीं कहीं पे 13 का भी जिक्र हुआ है, ठीक है। तो ये दो सितार हैं, चल थाट और अचल थाट के सितार, ठीक है। इन्हीं पे गत बजाई जाती है। देखिए गत होता क्या है, राग के वादी संवादी और राग में प्रयुक्त होने वाले स्वरों के आधार पर सितार के बोलों की तालबद्ध रचना को गत कहते हैं, ठीक है ना। माने किसी राग है, उसके वादी स्वर को, संवादी स्वर को और उसमें प्रयुक्त होने वाले स्वरों आधार पर सितार के बोलों की, सितार के जो बोल होते हैं उनके बोलों की तालबद्ध रचना को गत कहते हैं, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि राग का वादी संवादी लेकर, उनके स्वर लेकर सितार पे जो वादन किया जाता है, सितार का जो बोल होते हैं उनको तालबद्ध करके जब बजाते हैं तो उसको गत कहते हैं, ठीक है। आइए, यहाँ पे गत के दो भाग होते हैं, ठीक है, अस्थाई और अंतरा, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे मांझा देख रहे हैं, देख लेते हैं। कुछ गतों में स्थाई तथा अंतरे के बीच में दो पंक्तियां रहती है, इन्हें मांझा कहा जाता है, ठीक है। कभी कभी किसी किसी गत में जो कि है बीच में कुछ पंक्तियां रखी जाती है, जिसको मांझा कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि स्थाई और अंतरे के बीच में जो पंक्ति बजती है उसको क्या कहते हैं, तो मांझा कहते हैं। मुख्य रूप से गतें दो प्रकार की होती है, ठीक है, एक मस्जिद खानी गत और राजा खानी गत, इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि गत के कितने भाग हैं, दो भाग है, स्थाई और अंतरा, ठीक है। आइए मस्जिद खानी गत, मस्जिद खानी गत के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इस गत का आविष्कार उस्ताद मस्जिद खान ने किया था, ये भी क्वेश्चन आता है कि मस्जिद खानी गत का आविष्कार किसने किया था, तो मस्जिद खान ने किया था, ठीक है। मस्जिद खानी गत में दीर दारा दारा इन निश्चित बोलों का प्रयोग किया जाता है। मस्जिद खानी गत विलंबित लय में 12वीं मात्रा से शुरू की जाती है। तो यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं कि गत कितने प्रकार के होते हैं, गत दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, और मस्जिद खानी गत का आविष्कार किसने किया, तो मस्जिद खान ने किया। मस्जिद खान ये दीर दारा के मिश्रित बोल किस में प्रयोग किए जाते हैं, तो मस्जिद खानी गत में। और मस्जिद खानी गत किस लय में गाई जाती है, बजाई जाती है, तो वो जो है 12वीं मात्रा से शुरू की जाती है और विलंबित लय में बजाई जाती है। चलिए राजा खानी गत के बारे में जानते हैं। इस गत का आविष्कार गुलाम रजा ने किया था, ठीक है ना। इस गत को द्रुत लय में बजाया जाता है। सितार के मुख्यतः दो बाज या वादन शैलियां हैं, विलंबित या दिल्ली का बाज या द्रुत या पूरब का बाज, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि रजा खानी गत का आविष्कार गुलाम रजा खान ने किया और इसको द्रुत लय में गाया जाता है, ठीक है ना।
सितार के मुख्यतः दो बाज बताए गए हैं वादन शैली, एक विलंबित या दिल्ली का बाज और द्रुत या पूरब का बाज। तो पूरब में द्रुत का बाज होता है और दिल्ली में विलंबित का बाज होता है। चलिए यहाँ देख लेते हैं। विलंबित तथा द्रुत गतें मुख्य रूप से दो अंगों से बजाई जाती है। कितने अंगों से? दो अंगों से बजाई जाती है विलंबित और द्रुत गतें, ख्याल अंग और गतकारी अंग। ख्याल अंग या ख्याल गायकी के आधार पर बजाया जाता है, ठीक है ना, ख्याल अंग ख्याल गायकी के आधार पर। और गतकारी अंग, इसमें मिजराब के बोलों को अलग अलग प्रकार से कठिन करके बजाया जाता है, ठीक है ना। गतकारी में मिजराब के बोलों को अलग अलग करके कठिन करके बजाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे कला, कला के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं, ठीक है। कला क्या है? कला कल धातु से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ है सुंदर, ठीक है। कला में ला धातु भी लगती है जिसका अर्थ है प्राप्त करना। यहाँ पे देख रहे हैं कला का सीधा सीधा अर्थ है सुंदरता को प्राप्त करना, ठीक है ना, सुंदर को प्राप्त करना है, सुंदरता को प्राप्त करना है, ठीक है, कला का अर्थ होता है। जैसे हम लोग कला बनाते हैं, उसमें जो चित्र बनाते हैं वहां पे देखने में सुंदर लगती है, चाहे ये सुंदरता से वर्णित किया गया है कला को, ठीक है। चलिए, वैदिक काल में कला को शिल्प कहा जाता था। कला को क्या कहा जाता था? शिल्प कहा जाता था। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, कलाओं का वर्गीकरण सर्वप्रथम पंचाल ने किया था। किसने किया था? पंचाल ने किया था। उन्होंने कलाओं को दो भागों में बांटा, एक मूल कलाएं और एक अंतःकरण कलाएं, ठीक है। तो यहाँ पे भी दो तीन क्वेश्चन बन जाते हैं, कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। पंचाल ने मूल कलाएं 54 मानी है तथा अंतःकरण कलाएं 514 मानी है, ठीक है। यहीं पे वात्स्यायन ने 64 कलाएं मानी है। कामसूत्र ग्रंथ में कला का अर्थ कौशल से लिया गया है, ठीक है ना, कला का अर्थ कौशल से लिया गया है। किसमें? कामसूत्र ग्रंथ में। प्रबंध कोश ग्रंथ में 72 कलाएं मानी गई हैं। ललित विस्तार ग्रंथ में 83 पुरुष कलाएं तथा 64 काम कलाएं मानी गई हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी संगीत से संबंधित रहते हैं, ठीक है। अरस्तु ने कलाओं को तीन भागों में बांटा है, ठीक है, तीन भागों में अरस्तु ने बांटा है। आचरण विषयक कलाएं, ललित कलाएं और उदार कलाएं, ठीक है। और इसके साथ ही आपके जो कला है, ललित कला, ललित कला पांच प्रकार के होते हैं, पांच मानी गई हैं ललित कलाएं, पांच मानी गई, जिसमें संगीत कला है, काव्य कला, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि ललित कलाएं कितनी मानी गई है, तो पांच मानी गई है। संगीत कला पूछ देगा, संगीत कला किस कला में मानी जाती है, तो ललित कलाओं में सर्वश्रेष्ठ संगीत कला है, ठीक है। काव्य कला आप लोग जानते हैं, मूर्ति कला जानते हैं, वास्तुकला भी जानते हैं, ठीक है। तो संगीत में संगीत से संबंधित, काव्य में काव्य रचना जो होती है, चित्र में चित्रकला जानते हैं, मूर्ति मूर्तिकला, और वास्तुकला जो कि वास्तुशास्त्र से संबंधित है, ठीक है। तो ये जो है आपके पांच कलाएं मानी गई हैं। इस तरह से आप मस्जिद खानी गत, राजा खानी गत के बारे में जाने, गत के बारे में जाने, उनके आविष्कार के बारे में जाने, और कलाओं के बारे में कुछ चर्चा आपने देखी, ठीक है। तो चलिए, ये था एक छोटा सा वीडियो मस्जिद खानी गत और गत से संबंधित, राजा खानी गत से संबंधित और कलाओं से संबंधित। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।